सो जा, सो गई लगता है बिटिया रानी, सो जा ना मामा दूर के पूरी पकाए पूर के। क्या हुआ? शाम से ना दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है, बर्दाश्त नहीं होता। शाम से दर्द कर रहा है तुमको? तुमने डॉक्टर को दिखाया? दिखाना था ना, तुम भी ना बिल्कुल लापरवाह। चलो मैं तुम्हारे लिए दवाई ले आता हूँ मेडिकल से। पापा मैं भी चलूंगी आपके साथ। देखो बाजार का नाम सुन के जग गई। प्लीज ना पापा, मुझे आइसक्रीम खानी है, प्लीज मुझे लेके चलो। अच्छा ठीक है चलो। मैं इसको लेके जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा चलो आइसक्रीम खाएंगे। पापा मैं स्ट्रॉबेरी खाऊंगी। अच्छा नहीं चॉकलेट। अच्छा नहीं 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 वैनिला खाऊंगी। अच्छा बाबा तुम्हें जो पसंद है वो खा लेना, खुश चलो आज। सोच विचार विचार पद्धति, ये किसी भी व्यक्ति या समाज के विकास की नींव है। सोच समय की तरह परिवर्तनशील होती है और वक्त और परिस्थितियों के हिसाब से बदलती है और बदलनी भी चाहिए। और जब ये नहीं बदलती या हम इसे बदलने से रोकते हैं तो ये उस रुके हुए पानी की तरह से होती है जो गुजरते हुए वक्त के साथ एक ही जगह पड़े पड़े सड़ने लगता है और बीमारियां पैदा करता है। ऐसा ही उदाहरण है हमारा आज का ये एपिसोड, जहाँ एक इलॉजिकल सोच ने कई भयानक गुनाहों को जन्म दिया। अच्छी लगी आइसक्रीम आपको? हाँ ओहो इंदु, अरे रात के वक्त में दरवाजा तो बंद करना चाहिए। इंदु इंदु बेटा आप यहाँ पे बैठो, आइसक्रीम खाओ, हम आते हैं अभी, ठीक है? आराम से। इंदु है क्या यहाँ पे? नहीं यहाँ तो नहीं आई। अच्छा इंदु आई थी क्या यहाँ पे? नहीं तो कहाँ चली गई होगी, वो भी बिना बताए। कब से गायब है आपकी बेबी? सर कल रात से। मैं प्रिया को लेकर मेडिकल से उसके लिए सर दर्द की दवाई लाने गया था, जब वापस आया तो देखा दरवाज़ा खुला हुआ है और इंदु घर पर नहीं है। ये कितने बजे की बात है? सर 12:30 बजे के आसपास के। आप दोनों में कोई झगड़ा, मतलब कोई अनबन, कुछ तनाव था? नहीं सर बिल्कुल नहीं। आपने उनके दोस्तों के पास या उनके रिश्तेदारों के पास इंक्वायरी की? शायद उनके पास वो गई होगी। सर दोस्त या रिश्तेदार होंगे तो ना चाहेगी, मैं और वो दोनों ही अनाथ हैं। मैं स्कूल में पढ़ाता था और वो वहाँ खाना बेचने आती थी। हमने एक दूसरे को पसंद किया और शादी कर ली, तब से हम तीनों ही एक दूसरे का परिवार है। उनका मोबाइल? सर मोबाइल भी वो घर पर ही छोड़ के चली गई है। सर इसका रो रो कर बुरा हाल है, पता नहीं कहाँ चली गई है, मुझे तो चिंता हो रही है उसके साथ कहीं अनहोनी ना हो गई हो। ठीक है हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उन्हें ढूंढने की, और जैसे ही कुछ खबर मिलती है तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे।
साहब ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, कागज पूरे हैं हमारे। राजस्थान कपड़ों का नया लाट लेके आए थे, जो बच गए हैं उनको वापस लेके जा रहे हैं। गाड़ी की तलाशी लो। सर, कपड़े ठीक है, नीचे उतरो जाओ। ये औरत कल रात को 12 से 12:30 के करीब अपने घर से गायब है। उसके पति का कहना है कि इन लोगों का यहाँ पर कोई नहीं है जहाँ पर वो जा सकती है, और उन दोनों में कोई झगड़ा भी नहीं है जिसकी वजह से ये घर छोड़कर जाए। सर, ऐसी सूरत में पॉसिबल है कि किसी ने इसे किडनैप किया हो। क्या नाम बताया इसके पति का? सर मुरारी। क्या करता है वो? सर स्कूल में पढ़ाता है, टीचर है। कितने बजे की घटना? कुछ 12 से 12:30 के करीब। 12 से 12:30, अमूमन इस समय तो हलचल होती है। यादव, अगर ये जबरदस्ती किडनैपिंग का मामला है तो पॉसिबल है कि आस पड़ोस में किसी ने उसकी चीख सुनी हो। इसकी तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन सर्कुलेट करवा दी? हाँ सर। इसके गायब होने की कोई भी वजह हो सकती है। एक काम करो, इसके पति मुरारी और इसका दोनों का कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन निकालो, और हाँ आस पड़ोस में पूछताछ करो, शायद किसी को कुछ पता हो। ओके सर। सारी बातें मान ली, तुमने जो कहा वो किया, तो मेरे बेटे के साथ कुछ गलत मत कर। मारा वास्ता थारे से, थारी बेटी से कोई। मम्मी, मम्मी। क्या हो बेटा, क्या हो गया? मम्मी हमें छोड़कर काम पे चली गई, बता ना। तुम्हारी मम्मी जल्दी से आ जाएगी, है ना? परेशान नहीं होते ना, रो मत, रो मत, है ना? पापा मम्मी को बुलाओ, उसको बुलाओ, मुझे मिलने, उसको पहले बुलाओ पापा, पापा मम्मी को बुलाओ। इस केस में अभी बहुत से सवाल मुंह बाए खड़े थे। ये कौन लोग थे जिनके हवाले इंदु ने अपने आप को इतनी आसानी से कर दिया था और उनका जुल्म सहने पर मजबूर थी? क्या वास्ता था उन लोगों का इंदु से, और क्या वो इंदु की बेटी का भी हनन करना चाहते थे? क्यों ये जघन्य अपराध वो उसके साथ कर रहे थे, और क्या इस सारे वाक्य का मुरारी से भी कोई संबंध था? एक अपहरण जो कि अपहरण था भी या नहीं ये कहना मुश्किल था, लेकिन इसके पीछे का सच बेहद अजीबोगरीब था। सर, मोहल्ले में हमने जितने भी लोगों से इंदु और मुरारी के बारे में पूछताछ की तो सभी का यही कहना है कि इंदु बहुत ही अच्छी इंसान है, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, अपने परिवार से भी बहुत प्यार करती है, और मुरारी भी बहुत अच्छा इंसान है। उन दोनों के फोन रिकॉर्ड्स में कुछ संदिग्ध मिला? नहीं सर। किसी भी पुलिस स्टेशन से कोई इन्फॉर्मेशन मिली? अब तक तो नहीं मिली है सर। यादव, कोई भी हादसा बेवजह नहीं होता। इस केस की हमें बहुत बारीकी से छानबीन करनी पड़ेगी। अभी सब कहाँ मिले हुए? ये सब तो ना एक किश्त के बराबर भी नहीं है। अभी ना थारी बारी है, उसके बाद थारी छोरी के साथ भी तो यही सब करना है।
मेरी बेटी, तुम लोग मेरे बेटे के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। देखो तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, तुमने मुझसे वादा किया तो। वादा? कौन सा वादा? मैंने कौन सा वादा कर लियो थारे साथ? मारो मुट मच कर बोल रहा हूँ कि मेरी बात मानती क्यों नहीं है तुम? प्रिया बेटा, बेटा रोते नहीं, दूध पी लो चलो। नहीं, मम्मी आने के बाद पीऊंगी दूध, पहले मम्मी को आने दो। आ जाएगी बेटा, जल्दी मम्मी आ जाएंगे। तू क्यों आया यहाँ पे? थारे भूल गया था, पता चला तू आ जाए नहीं तो मैं सीधा यहाँ चला आया। देख बल देख, मारे पास थारे को देने के लिए एक पैसा नहीं है, ना मैं दूंगा। वैसे भी हमारी लाइफ में बहुत टेंशन चल रही है, मैं उसी में उलझा हुआ हूँ। सुना है मैंने इंदु गायब हो गई है, पर मैं ये सोच रहा था गायब हुई है या कराएगी। देख भैया, ज़्यादा सोचने की जरूरत ना है, अपने काम से काम लो, चल यहाँ से। देख मुरारी, ऐसा है, जरूरत तो थारे को मारी कभी ना कभी तो पड़ेगी, क्योंकि मैं ही वो इंसान हूँ जो सब जानता है। याद है ना, उस वक्त भी थारे को मारी जरूरत पड़ी थी। देख रहा है वक्त अपने आप को कैसे दोहराता है। चलता हूँ, जरूरत पड़े तो याद कर लेना। हेलो, नवसारी पुलिस स्टेशन, पीएसआई भगत इस विंग में। क्या मैम, दोनों के सर पे वार किया गया है, सूखा और खून और बॉडी देखकर लगता है कि वारदात 8 से 10 घंटे पुरानी है। कुछ ऐसा मिला है जिससे बॉडी की शिनाख्त हो सके? नहीं मैम, कत्ल के हथियार के अलावा और कुछ नहीं मिला। ये तो किसी हेवी व्हीकल का पाना है, ट्रक वगैरह में होता है ये। यहाँ आसपास तो कुछ नजर नहीं आ रहा है ऐसा। बॉडी सबसे पहले किसने देखी थी? मैंने देखी थी, मैं खेत से काम करके लौट रहा था और अचानक मेरी नजर पड़ी, यहाँ लाशें पड़ी हैं। भगत, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो और ये आसपास के एरिया में और सारे ढाबों पर पूछताछ करो, हो सकता है किसी ने कुछ देखा हो। राइट मैम। बेटा, आपको जो भी खिलौने चाहिए ना, आप देख लो, देखो कितने सारे खिलौने हैं, मैं फोन पे बात कर लेता हूँ, ठीक है? हेलो, राम राम सा, मुरारी बोल रहा हूँ, कहीं हलचल करो। अच्छा, इंदु आई है क्या वहाँ? नहीं आई। अच्छा अच्छा, वो वहाँ आए ना तो मुझे तुरंत फोन करो। सुनो, ये बात किसी और को मत बताना। सर, मुरारी जिस स्कूल में काम करता है उस स्कूल के प्यून ने हमें बताया कि कल कोई बलदेव नाम का आदमी मुरारी को पूछते हुए वहाँ आया था, और उसका कहना है कि वो मुरारी का दोस्त है, लेकिन जब हमने मोहल्ले में और आसपास पूछताछ की तो कोई भी बलदेव को नहीं जानता। इस बलदेव के बारे में पता करो, और हमें मुरारी और इंदु के अतीत के बारे में भी जायजा लेना होगा कि हो सकता है जिसे हम आज में तलाश रहे हैं वो इनके अतीत का हिस्सा हो। मतलब वो लोग कौन है, कहाँ से आए, इससे पहले कहाँ थे, क्या करते थे, सारी डिटेल्स निकालो। ओके सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से दोनों ही मर्डर 12 बजे से 2 बजे के बीच में हुआ है। आसपास के ढाबों में पूछताछ करके पता चला है कि ये दोनों ही वहाँ पे खाना खाने के लिए रुके थे। मैम, हो सकता है कि ये दोनों ड्राइवर और क्लीनर हों। हमने आसपास बहुत सारी जगह ट्रक को तलाश किया लेकिन कहीं भी कोई लावारिस ट्रक नहीं मिला है।
इसका मतलब है जिसने कत्ल किया वो ट्रक लेके भाग गया है। मैम ये भी तो हो सकता है कि मामला चोरी का हो। मगर एक काम करो, मुंबई गुजरात हाईवे पर से जितने भी ट्रक पास हुए वो सारे ट्रक, उनके ड्राइवर, हेल्पर सबकी डिटेल्स निकालो। देखो सबके सब अपने डेस्टिनेशन पे सही सलामत पहुंचे हैं। ओके मैम। ये देखो मामा, मैं आपके लिए सॉरी का ग्रीटिंग कार्ड लेके आई। अगर मेरे जिद और शरारत से अब गुस्सा होकर चली गई हो तो प्लीज वापस आओ। अब मैं कभी जिद और शरारत नहीं करूंगी। अब प्लीज वापस आ जाओ प्लीज। बस सर, फिर रातों में रोती रहती अपनी माँ को याद करती हूँ। आपसे गुजारिश है, इस बच्ची के लिए उसकी माँ को ढूंढो प्लीज। हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। एक बात बताओ, ये बलदेव कौन है? बलदेव सर, मैं किसी बलदेव को नहीं जानता। लेकिन वो तो कह रहा था कि वो तुम्हें पर्सनली जानता है, और एक अनजान आदमी जो तुम्हें जानता नहीं है वो तुम्हें अपना दोस्त क्यों बताएगा? मेरी बीवी गायब हो गई, मेरी बच्ची का रो रो कर बुरा हाल है, और आप इंदु को खोजने के बजाय बेटा मुझ पर शक कर रहे हैं। अंकल, मेरी मम्मा मिली, कहाँ पे वो? देखो बेटा, आप रोना मत, आपकी मम्मी जहाँ कहीं पर भी है हम उन्हें ढूंढ के निकालेंगे। लेकिन आप इस तरह से रोती रहोगी तो आपकी मम्मी को कितना बुरा लगेगा, है ना? रोना मत। एक बच्ची अपनी माँ की ममता के लिए तरस रही थी, और वहीं दूसरी तरफ वो माँ किसी से अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही थी, और इसी खींचातान में जुर्म ने अपने पांव जमा लिए थे। इंदु को अगवा करने वालों का किसी ने कत्ल कर दिया था, और वो वजह क्या थी जिसके कारण एक माँ, एक पत्नी जो कल तक अपने घर की चार दीवारी में खुश थी, आज दर दर की ठोकरें खा रही थी। इस कहानी में मुरारी की भूमिका क्या थी, और बलदेव कौन था, और वो मुरारी को कैसी मदद की पेशकश कर रहा था, और इंदु आखिर कहां थी और किन हालात में थी? कि जितने भी ट्रक गुजरात बॉम्बे हाईवे से निकले थे सारे के सारे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, और उनके ड्राइवर्स और हेल्पर्स मैम वो लोग भी सही सलामत अपने घर पहुंच चुके हैं। तो ये दो लोग कौन थे, और ये किसका ट्रक लेकर घूम रहे थे? मैम ये लड़का कुछ बताना चाहता है। बोलो क्या बताना चाहते हो। मैम मैं गुजरात हाईवे के पास एक पेट्रोल पंप में काम करता हूं। काम खत्म होने के बाद मैं घर जा रहा था, और घर जाते हुए देखा कि अरे बाहर ऐसे भाग के कहां जाएगी तू, रुक जा बोल रहा हूं। यह पूरा मामला गड़बड़ हो गया भाई साहब। अरे वो चोरी ने भाई साहब को, चिंटू को जान से मार दिया भाई साहब। इसका मतलब है वो दो नहीं तीन लोग थे, उसमें से दो मारे गए। और ये औरत कौन है जिसने ये दोनों लोगों का खून किया है, और क्यों? तुम्हें उस आदमी और औरत का चेहरा याद है? हाँ मैम याद है। दरवाजा खोलो। मेरा पति है। हाँ। चुप चल बैठ, चल बैठ, बैठ रुक, काट डालूंगी, बैठ।
थी, मारे से बच के भाग रही थी तू। छोड़ दो। अब देख मैं तारो के हाल करे हूँ। चल 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 बताऊ तुझे मैं, चल चल। सर, सूरत पुलिस स्टेशन ने एक लड़की और एक आदमी का स्केच जारी किया है। मुंबई गुजरात हाईवे पर जो कत्ल हुए उसमें यह लड़की संदिग्ध है और फरार भी है, और मुरारी की बीवी हिंदू, इन दोनों की शक्ल हूबहू मिलती है। जानो ये केस तो किसी और ही दिशा में जा रहा है। हिंदू ने ये दोनों खून सेल्फ डिफेंस में किए हैं या किसी साजिश का हिस्सा है? ये काम करो, जिन दो लोगों का खून हुआ है ना उनकी तस्वीर मंगवाओ और मुरारी को बुलाओ। ओके सर। इन्हें पहचानते हो? नहीं सर, मैं नहीं जानता इन्हें। कौन है ये लोग? ये वो दो लोग हैं जिनका खून करके तुम्हारी पत्नी फरार है। क्या इंदु ने इनका खून किया है? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हमें गलत फहमी हुई है या बात कुछ और है ये तो हम पता कर ही लेंगे। तुम जा सकते हो। जी सर। यादव, इस पे 24 घंटे नजर रखो, क्योंकि मुझे यकीन है ये मास्टर उतना सीधा है नहीं जितना दिख रहा है। बलदेव, मेरी मदद करेगा। में जो एसटीडी चलाने वाला आदमी है उसने हमें बताया कि जब से इंदु गायब हुई है तब से मुरारी ने राजस्थान के गदरमला गांव में काफी लंबे समय तक एसटीडी कॉल की है। यादव, जिन दो लोगों का कत्ल इंदु ने किया है उनका पहनावा भी राजस्थानी है। इसका मतलब है इंदु के गायब होने का मुरारी से कोई ना कोई लिंक है। तुमने मुरारी के पास के बारे में पता किया? यस सर, जब हमने मुरारी के मकान मालिक से बात की तो उसने बताया कि जब 8 साल पहले मुरारी उसके पास आया था तब मुरारी ने उसे बताया था कि वो राजस्थान से है। इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। हमें सूरत पुलिस स्टेशन से भी बात करनी पड़ेगी। हो सकता है उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो जो हमारे बहुत काम की निकले। ये लीजिए सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन और केस से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस फाइल में। कुछ चीज़ें तो इस फाइल से क्लियर हो गई कि मरने वाले ड्राइवर और क्लीनर थे और इनका संबंध गदरमला राजस्थान से है, और ये कि उस दिन मुंबई गुजरात हाईवे से जितनी भी ट्रकें गुजरी उनमें से एक ट्रक का डेस्टिनेशन भी गदरमला है। लेकिन इस फाइल के मुताबिक वो ट्रक और क्लीनर ड्राइवर वहाँ पहुँच चुके हैं। सर, अगर ड्राइवर और क्लीनर का खून हो चुका है तो वो ट्रक गदरमला पहुंचा है किसने? ये
ये तो ज्यादा हमें वहां जाके ही पता लगाना पड़ेगा। कहाँ चल सर? अच्छा इंदु आई है क्या वहाँ? बल्दे देखा, मैं सही कह रहा था, वो वही है भाई। अब तुझे मेरे लिए एक बार फिर वो करना पड़ेगा जो तू पहले भी कर चुका है। तुझसे जो बन सकता है कर, लेकिन उसे वापस ला दे प्लीज। तू ही है ना बलदेव? तू तो बोल रहा था इसे जानता नहीं। चलो तुम दोनों का टाइम आ गया। ए लोग तेरी तो पुलिस पीछे लगी है हुकुम। मैंने अपनी रिस्क में इंदु का पता तो आपको बता दिया, पर उस काम का मेरे मन में एक पैसा अभी तक नहीं मिला हुकुम। मारे अकाउंट में पैसा जल्दी जमा करो। घर का भेदी लंका ढाए मुरारी, जो बलदेव से मदद की उम्मीद लगाए हुए था, ठगा जा चुका था। और एक बड़ा सवाल यह नजर आ रहा था कि आखिर मुरारी पुलिस से गदरमाला के बारे में क्यों छुपा रहा था, और ये हुकुम कौन था जिसे बलदेव ने फोन करके आगाह किया था। पुलिस को भी गदरमला गांव के संकेत मिले थे, लेकिन इंदु का इस गांव से क्या वास्ता था? कहां थी इंदु? और ये कैसा समाज था जहां इस अमानवीयता से एक औरत की अस्मिता को तार तार किया जा रहा था, और क्यों? ऐसे कैसे बच के जा सकते वो दोनों तुम्हारे हाथ से? इंपॉर्टेंट केस, जाओ यहां से। हमारा शक सही था, इस मुरारी का इंदु के गायब होने से जरूर कोई लेना देना है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मुरारी ने ही अपनी बीबी को गायब करवाया हो? अगर गायब भी करवाया होगा तो कोई वजह तो होनी चाहिए, जबकि इंक्वायरी में यह बात साफ हो गई है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी कोई चीज नहीं थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मुझे लगता है इन सारे सवालों का जवाब हमें गदरवाला से ही मिलेगा। आखिर क्या कनेक्शन है इस वारदात का उस गांव से? एक काम करते हैं, मैं गदरमला जाके वहां का सच पता करता हूं, तब तक तुम बलदेव और मुरारी दोनों को अरेस्ट करो। ओके सर। हम लोगों ने आपको इंदु किडनैपिंग केस की डिटेल्स भेजी थी, उसमें कुछ कार्रवाई हुई? सर आपने जो हमें डिटेल्स भेजी थी वो हमने पढ़ ली है, और जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी का मुंबई ट्रक गया था उसके बारे में भी हमने पता कर लिया है। हमें इन्वेस्टिगेशन वहीं से शुरू करना पड़ेगा। जी साहब, ये देखिए ये ट्रक तो परसों ही वापस आ गया था, इस पर डेट भी लिखा हुआ है। कितने लोग थे इस ट्रक पे? ड्राइवर कौन था? सर दो ड्राइवर थे, अजय और शोभित, और एक क्लीनर था विनोद। इन्हें पहचानते हो? नहीं सर, मैं इनको नहीं जानता हूँ। ध्यान से देखो, ये दोनों भी ड्राइवर हैं और इसी गाँव के हैं। नहीं सर, मैं नहीं जानता हूँ। जो तीनों लोग मुंबई गए थे उन्हें बुलाई। तुम तीनों गए थे इस ट्रक के साथ मुंबई? ठीक है, अभी जा सकते हो, लेकिन बिना पुलिस के परमिशन के गांव से बाहर मत जाना, समझे? दीपक, अगर ये लोग इसी गांव के हैं तो गांव से इंक्वायरी करते हैं, कोई तो पहचानता होगा उन्हें। यस सर।
से देखा है कहीं? ना जी साहब, मैंने इस छोरी को नहीं देखा। सुनिए, इन्हें देखा है कभी? ऐसी गांव की है तो साहब जी, शहर नहीं गाँव है साहब जी। यहाँ की जनानी अपने पति के अलावा किसी को चेहरा नहीं दिखा थी, मेरे अलावा किसी को देखा तक नहीं इसने अभी। जा अंदर जा। लो सब, मैं बताता हूँ। नहीं साहब जी, मैंने तो कभी नहीं देखा इसको, मुझे नहीं लगता है इस गांव की। यही घर है सर। गोविंद तू है? जी मैं ही हूँ। मुरारी को कैसे जानता है? कौन मुरारी सर जी? सर जिसने मुंबई से तुझे दो बार फोन किया था पीसीओ से, उसने किसको फोन किया नहीं किया सारा डिटेल्स है मेरे पास। बोल। देख साहब प्यार से समझा रहे, सीधे जवाब दे। साहब जी मारा दोस्त है जी वो, और जी कभी कभार फोन कर लें जी एक दूसरे को हालचाल पूछने को। इंदु के बारे में क्या जानता है? जी वह उसकी लुगाई है। बस इतना ही जानता है? तो जब वो मुंबई से भागी तो मुरारी ने तुझे फोन क्यों किया? बोल। साहब जी यूं मैं कैसे बता सकूं? दीपा तलाशी लो अंदर। ओके सर। घरवाली थी ये तो वही हो रहा था ना जो वहां थी। हाँ सर, वो तो कह रहा था कि उसकी पत्नी मतलब तलाक हो गया था तुम्हारा। मतलब तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तो तुम्हारी बीवी है ना, तो तुम्हारी बीवी उसके घर क्या कर रही थी? मुरारी की बीवी भागी तो वो तुम्हें फोन किया, चल क्या रहा है यहाँ? सर ये ऐसा नहीं बोलेगा। हमारे गाँव की पड़ता बिल्कुल अलग है। अगर कोई आदमी किसी औरत को भगा के सीमा पार करके ले जाए तो उस आदमी का उस औरत पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। हमारी बहुत कोशिश करने के बाद भी वो आदमी हमारी बीवी को भगा ले गया, और ज्यादा अब वो उसकी बीवी है। तुम लोग इंसान हो या जानवर, अपनी पत्नियों को इस्तेमाल का वस्तु समझते हो? बिना तलाक के तुम्हारी बीवी उसकी कैसे हो गई? साहब ये कानूनी दाव पेच यहाँ नहीं चलते हैं। इंदु की भी शादी इस गांव में विक्रम सिंह के साथ हुई थी, और वो भी एक दिन हमारी बीवी की तरह भाग गई यहाँ से। मुरारी के साथ? प्रताप सिंह गुजर के साथ। फिर वो आज मुरारी की बीवी कैसे है? साहब इतना हमें भी नहीं पता। इंदु के घर से भागने के एक साल बाद मुरारी का फोन आया था कि वो और इंदु मुंबई में है, बहुत खुश है। साहब ये हमारे को भी पल्ले नहीं पड़ रहा कि प्रताप के साथ गई हुई लड़की मुरारी के साथ कैसे है। इतनी घिनौनी प्रथा आज के जमाने में भी यहाँ चल रही है, आप लोगों ने कभी एक्शन नहीं लिया? सर एक्शन तो तब लेना जब कोई गांव वाला साथ दे। कानून के हिसाब से प्रथा गलत है, लेकिन गांव वालों की पूरी मंजूरी है इस प्रथा के साथ। हम कभी कोई एक्शन लेना भी चाहें तो ना तो हमें कोई सुराग मिलता है, ना ही कोई सबूत और ना ही कोई गवाह। और अगर कोई इस प्रथा को सपोर्ट ना भी करे तो गांव के डर से कोई रिपोर्ट तक नहीं लिखवाता, और अगर किसी ने रिपोर्ट लिखवा दी तो पूरा गाँव उसके अगेंस्ट हो जाता है। मतलब जाहिर सी बात है कि इस बात का अगर इतना प्रेशर है तो कोई भी पति अपनी पत्नी को वापस नहीं ला पाता होगा, और इनके सो कॉल्ड समाज में जो बेइज्जती होती है उसको अलग। उसका मतलब है विक्रम सिंह से हमें मिलना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है अपनी इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए विक्रम सिंह ने इंदु को मुंबई से उठवाया होगा। विक्रम सिंह
तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि इंदु तुम्हें छोड़कर किसी और को चुन ली। तुम्हारी बेइज्जती की है और इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तुमने उसे मुंबई से उठवा लिया। जिस प्रताप के साथ वो भागी थी और जब उसके खून का मैंने सुना तब भी मैंने उसका हाल चाल नहीं पूछा, तो फिर साहब आज बदला लेने की बात कहाँ से आवेगी? क्या प्रताप का खून इंदु के तुम्हारे घर से जाने के कितने दिनों बाद हुआ था? जिस दिन इंदु भागी थी उसके तीसरे दिन ही प्रताप की लाश गांव के बाहर मिली थी, और साहब इंदु का आज तक पता नहीं चला कि वो कहां गायब हुई है। सर, जिस टेम्पो मालिक ने क्लीनर और ड्राइवर के बारे में बताया था, ये रहे उनके कॉल रिकॉर्ड्स। इसके मुताबिक तो पिछले एक हफ्ते में ये लोग गांव से बाहर गए ही नहीं। तुम बस बता रहे साहब जी। साहब जी, हम तेनू नहीं गए थे मुंबई, वो तो शमशेर राजदीप और रंजीत गए थे मुंबई। मैंने शमशेर भाई साहब बिट्टू के साथ मिलकर इंदु को उठवाया था। क्यों? सब उठा के मैं उसको गांव लेकर आया था। लाना था ना साहब जी, उसने गांव की प्रथा तोड़ी थी। प्रथा तोड़ी थी मतलब? इंदु उस गांव में शादी करके आई थी और मैं वहां स्कूल टीचर था। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, शादी करना चाहते थे। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे भगाकर गांव की सीमा के बाहर ले जाऊं, इसलिए हमने एक प्लान बनाया। इंदु ने प्रताप को अपने झूठे प्यार में फंसा लिया था। अब वो ढेरा दिलेर आदमी विक्रम के यहाँ उसे कोई भी नहीं रोक पाता। बस गांव वालों की नज़र बचाकर इंदु और वो दोनों गांव की सीमा से बाहर चले गए। उसके अगले दिन मैंने और इंदु ने तो धोखे से मार दिया, लेकिन सर हम उसे मारना नहीं चाहते थे, बस उसे बेहोश करके वहाँ से भागना चाहते थे। वो गलती से बाहर इतनी जोर का लग गया कि वही मौत हो गई। उसके बाद मैं और इंदु सीधा मुंबई आ गए और शादी करके नई जिंदगी शुरू कर दी। साहब, गांव के ना नियम कायदे कानून प्रथा होती है, कानून उन्हें माने या ना माने, लेकिन हम लोग उसको अपनी जान से भी ज्यादा मानते हैं। अरे ये इंदु और मुरारी ने पूरे गांव का नाम कटवा दियो तो सबके अंदर गुस्सा भरो तो फिर दिन फोन आयो बलदेव का, उसने बतायो कि ये इंदु मुंबई के मीरा रोड में रह रही, तो बस ये बदला लेने को टाइम आ गयो तो तुम लोगों का गुस्सा इंदु और मुरारी दोनों पर था ना? है? तो सिर्फ इंदु को क्यों उठाया? बस जी, हम तो तीनों को लेने गए थे, वो इंदु खुद ही आ गई हमारे सामने। वही हमको बोली कि मैं साथ चलने को तैयार हूं, मेरे पति और बेटी को कुछ ना करो। को तो हुकुम ने आदेश दिया था कि उसको उठा के ले। हुकुम कौन है? क्यों उठवाया था उसे तूने?
तब बोलेगा बताएगा या दूसरा तरीका अपनाऊ मैं। मैंने उठवाया था उसे कमीने को, मारे भाई को मरवाया था उसने। 8 साल से उतरा लेने के सोच रहा था मैं, कहां नहीं डूटा उस कमीनी को, अपने भाई के प्यार में फिर उसे इंसान पिलाने की चूक रहा था मैं, चूक रहा था, दिल तड़पता था मेरा दिल, वो तड़पेगी जिंदगी भर। सुन, जिसे तो इंसाफ कह रहा है ना, वो वैशीपन है। तुम्हारे भाई को इंसाफ तब मिलेगा जब तू हमें बताएगा कि वो कहाँ है और कानून उसे सजा दे। आप जी, मुझे चाहे कुछ भी कर लो, मैं नहीं बताने वाला कि वो कहाँ है, ना ही कोई गांव वाला बताएगा। गांव के रीति रिवाज तोड़े हैं उसने, गांव की प्रथा तोड़ी है उसने, सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी उससे जिंदगी भर। नहीं बताएगा तू? आप मुझे आप चाहे कुछ भी कर लो, मैं नहीं बताने वाला, मैं बताऊंगा। बोल काइंदू, बोल काइंदू, बता बता बता। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी मंगल ने पुलिस को नहीं बताया कि उसने इंदु को कहां रखा है, वो जिंदा भी है या नहीं। लेकिन प्रिया और मुरारी हैं जिन्हें ये उम्मीद है कि इंदु जिंदा है और वो वापस आएगी। ये केस इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है कि आज के समय में भी ऐसी प्रथाएं जीवित हैं जिन्होंने इस कदर मानसिक गुलामी में जकड़ा हुआ इंसान को कि वो सही और गलत का फर्क नहीं देख पाता है। ऐसी प्रथाएं ही हमारे देश के विकास की गति में भी अवरोध है। और असलियत यह है कि इस तरह का समाज एक व्यक्ति की इच्छाओं और उसकी सोच को भी नियंत्रित करता है। देश तो आजाद है, लेकिन आज भी ऐसी कई जगहें हैं जहां लोग इस तरह की पिछड़ी और घिनौनी प्रथाओं के गुलाम हैं। मंगल और राजदीप को इंदु को अगवा करने और उसके साथ बलात्कार करने के लिए और मुरारी को प्रताप के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया है। ये सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं और चार्जशीट फाइल होनी अभी बाकी है। संस्कृति और संस्कार इंसान की बेहतरी और विकास के लिए बनाए गए हैं। अगर कोई भी संस्कृति, संस्कार और प्रथा के नाम पर वैशी होने का दावा करे तो अपने समीर को जगाएं और सही बदलाव लाने की कोशिश करें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को, सीख हम सबको। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोस।